हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट। एंड अभी मैंने रिसेंटली देखा दो तीन वीडियोस जिसमें लोग अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को फ्रिज में रख देते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, एंड कुछ देर बाद जब वो थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है देन दे ट्राई टू अप्लाई इट। यूजुअली मैं ऐसे डिफरेंट टाइप के मेकअप चैलेंजेस नहीं करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे सबका थीम या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। जब तक मुझे वो चीज़ थोड़ी सी डूएबल और रिलायबल नहीं लगती, आई डोंट वॉन्ट टू ट्राई इट। बट ये वाला चैलेंज आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई जस्ट बिकॉज इट वॉज अ फ्रोजन मेकअप, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा ऑयली है एंड वेन एवर आई अप्लाई मेकअप इट टेंड्स टू मेल्ट ईजली। दैट्स वाई आई थॉट कि चलो ठंडा मेकअप लगा के देखते हैं, शायद मेरे स्किन पे ज़्यादा टिके। एंड जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर, मैंने जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ किए हैं वो आइदर ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा उनमें बचा है, या फिर वो एक्सपायरी के करीब हैं। दैट्स वाई आई टुक द रिस्क ऑफ फ्रीजिंग देम। इन केस यू वांट टू ट्राई, एकदम नया प्रोडक्ट मत रख देना क्योंकि चांसेस हैं कि मेकअप फ्रीज होने के बाद जब वापस अपने नेचुरल फॉर्म में आएगा तो उसका फॉर्मुलेशन गड़बड़ हो सकता है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। बट इफ़ यू आर न्यू हियर देन हेलो, माई नेम इज़ हिमांगी। आई मेक वीडियोज़ रिलेटेड टू मेकअप, स्किन केयर एंड रिव्यूज़। इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई चैनल, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, प्रेस द बेल आइकन सो वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू आर नोटिफाइड। लेट्स बिगिन। एंड येस, अमेजोन पे सेल स्टार्ट हो गई है, द प्राइम डे सेल, जो कि 23rd और 24th July को ही रहेगी। सो जस्ट गो एंड ग्रैब योर प्रोडक्ट्स। मैंने इतना रिस्क लिया है मेकअप को फ्रीज करने का, अगर इन केस ये प्रोडक्ट्स ख़राब भी जाते हैं आई कैन बाय मेकअप ऑन अ बेटर डिस्काउंटेड रेट। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन केस अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है तो उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। सो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ लिया है पर्पल का माय बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर प्राइमर। यू कैन सी पूरे पैकेट पे जो प्राइमर का जो ट्यूब है उस पर एकदम पानी सा हो। अब जैसा कि यूजुअल होना चाहिए, फ्रीज करने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो गया है, ये इतना थिक है नहीं। प्लीज़ इग्नोर हाउ माय हेयर लुक्स राइट नाउ, क्योंकि बहुत गर्मी है और शूट करने में बहुत, मतलब बालों की तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। सो बैक टू दिस प्रोडक्ट, ये काफ़ी अच्छा अप्लाई हो रहा था एंड फ्रीज करने के बाद क्योंकि थोड़ा सा थिक हो गया था ना, तो आई थिंक ये पोर्स वगैरह को बहुत ज़्यादा फिल मतलब कर रहा था, यूजुअल ये इतना करता है, तो इस वजह से स्किन काफ़ी स्मूथ हो गई थी। तो मुझे इसका एप्लीकेशन तो बहुत ही अच्छा लगा। फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है मेबलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। ये तो ऑलरेडी मैट फाउंडेशन है बट आई थॉट कि चलो देखते हैं मैट फाउंडेशन कैसा परफॉर्म करता है और ज़्यादा कैसा होता है। सो इसके जो कैप पे और बॉटल के नेक पे जो भी प्रोडक्ट लगा था ना, वो तो एकदम फ्रीज हो गया था और अंदर से प्रोडक्ट आ भी नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद कुछ प्रोडक्ट बाहर आया और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया था, मतलब जिसे जमने के बाद चीज़ें हो जाती है वैसे ही थोड़ा सा थिक भी हो गया था। और इसकी जो कवरेज है ना, वो भी मुझे लग रही थी थोड़ी सी बढ़ गई थी एज़ कम्पेयर टू जब मैं इसे पहले यूज़ करती थी और अभी जब मैंने इसे अप्लाई किया तो। और ये काफ़ी देर तक ऐसे ही था, इट्स नॉट लाइक कि मतलब जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो, ये काफ़ी देर तक ऐसे ही था। ये एकदम मेरी स्किन से मैच करता हुआ फाउंडेशन है ना, तो इतना बहुत नहीं लगता है कि कुछ चेहरे पे लगाया है, बट काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लो तो बहुत ही स्किन लाइक दिखता है। अब इसका कवरेज देखने के लिए मैंने इसे अपने डार्क सर्कल्स पे भी डायरेक्टली अप्लाई कर लिया, लाइक अंडर आइज और आईलिड पर, और इसने काफ़ी अच्छा कवरेज प्रोवाइड किया था। कंसीलर के लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर, एंड दिस वन इज़ अ करेक्टर प्लस कंसीलर। सो इसे दोनों की तरह ही काम करना चाहिए था, लेकिन फ्रीज होने के बाद इसका फॉर्मुलेशन आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब मैं इसे निकाल रही थी तो एक तो निकल नहीं रहा था और जो निकला तो वो एकदम मतलब लिक्विड था, बहुत जैसे पानी होता है ना वैसे ही आया था। इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं थी जितनी यूजुअली इसमें होती है, जस्ट बिकॉज ये करेक्टर भी है तो थोड़ी सी कवरेज इसकी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सो आई थिंक इसका जो फॉर्मुलेशन था वो गड़बड़ हो गया था जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आया, तो जो सॉलिड पार्ट था और जो लिक्विड पार्ट था वो दोनों इस
प्रोडक्ट से अलग हो गए थे। सो जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज, इन केस यू वॉन्ट टू ट्राई दिस फ्रोजन मेकअप, ऐसा करना कि ऐसे प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करना जो पहले तो शीशे की ट्यूब ना हो, जिनकी लाइक जिनकी पैकेजिंग शीशे की ना हो, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ फ्रीज़ करते हो ना, जैसे सिंपली आप पानी ले लो, जब उसे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसका मतलब जो एरिया वो कवर करता है ना वो अलग होता है, एंड सिमिलरली जब आप उसको फ्रीज़ करते हो ना तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। तो अगर आप शीशे की बॉटल या ऐसा कुछ बहुत टाइटली पैक्ड कंटेनर है आपके प्रोडक्ट का, ऐसा कुछ रख रहे हो ना, तो हो सकता है आप उसे बहुत फ्रीज़ कर दो तो वो टूट जाए आपका कंटेनर। सो ध्यान से रखना, एंड मैक्सिमम 30 to 45 minutes फ्रीज इसको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना मतलब वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, उसका पूरा फॉर्मुलेशन बिगड़ जाएगा। कॉम्पैक्ट के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट, एंड इसमें जो है ये प्रोडक्ट में पूरा पानी लग गया था, मतलब जो मॉइस्चर कॉम्पैक्ट के अंदर आ गया था ऊपर इसके लिड पे, वो सारा जो है वो पाउडर पे गिर गया था, इस वजह से ये बिल्कुल भी पिक नहीं हो रहा था। इट वॉज़ नॉट लाइक ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा था, इट वॉज़ वर्किंग, बट वो पिक नहीं हो रहा था। मैंने इसीलिए ब्रश लिया, ब्रश से इसे पिक करने की कोशिश करी थी, अदरवाइज़ अगर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर या जो स्पॉन्ज आता है इसके साथ वो अगर इस पर रब किया होता तो वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता। फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का मास्टर कॉन्टोर पैलेट, और इसमें भी पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं आ रही थी, कॉन्टोर में तो बिल्कुल ही पिगमेंटेशन नहीं आ रही थी। बहुत बार मैंने फिंगर से ब्रश से सबसे ट्राई करा, तब जाके मतलब थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट दिख रहा था फेस पर, एंड ब्लश जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, वो इतना ब्लश पिक नहीं होता है, इतना ज़्यादा ये नहीं दिखता है नॉर्मल स्टेट में जब इसे नॉर्मल टेम्परेचर में अप्लाई करते हैं, बट फ्रीज़ करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इसकी पिगमेंटेशन बढ़ गई थी, हाईलाइट की भी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी हो गई थी, बट कॉन्टोर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। अब पिगमेंटेशन तो इन सब की बढ़ गई थी, लेकिन ब्लेंडिंग में जो है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, सो एट द एंड मुझे जो है वो फाउंडेशन ब्रश जो है मेरा इस किट का, मुझे उससे इसको फाइनली तीनों को ब्लेंड करना पड़ा, ब्लश हाईलाइट एंड कॉन्टोर को। वो तो मैं यूजुअली भी करती हूँ, बट यहाँ पे मतलब एकदम ज़रूरत ही थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी ब्लेंडेड नहीं लग रहा था। आई शेडो के लिए मैंने पिक किया था मेबलिन का द ब्लश्ड न्यूड्स पैलेट। नॉर्मल टेम्परेचर में भी इस पैलेट की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर भी इसकी पिगमेंटेशन फ्रीज़ करने के बाद थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी, जस्ट बिकॉज कि जो पैलेट का मॉइस्चर था वो कुछ इन प्रोडक्ट्स में चला गया था, इस वजह से ब्रश से इसका एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा था, वैसे भी नहीं दिखता था, अभी भी नहीं दिख रहा था बहुत ज़्यादा, बट फिंगर से जो है ये थोड़ा सा बेटर अप्लाई हो रहा था, ब्लेंड भी हो जा रहा था ब्रश, मुझे लग रहा था शायद कुछ ब्रश में भी मेरे प्रॉब्लम लग रही थी, या तो वो गीला हो गया था किसी वजह से और मैंने ध्यान नहीं दिया उसी से अप्लाई किया, इस वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही थी, बट फिंगर से तो इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी हो रही थी, ब्लेंडिंग भी इसकी बहुत प्रॉपर हो रही थी। आई डोंट नो कैमरे पे ये कितना कैच कर रहा था और कितना आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि मैंने किया है सो आई कैन टेल कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा था। आप लोग को अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो लेट मी नो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लगा कि सबसे ज़्यादा बेटर काम किया है फ्रीज होके, एंड कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ख़राब काम किया है फ्रीज़ होने के बाद। आईब्रो के लिए मैंने यूज़ किया फैशन कलर की आईब्रो पेंसिल, नॉर्मल टेम्परेचर में ये बहुत अच्छा काम करती है, फ्रीज़ होने के बाद ये पता नहीं मतलब बहुत ही ख़राब काम कर रही थी, इसमें से कुछ ऐसा नहीं था कि पानी निकल रहा हो या ऐसा कुछ था, बट काफ़ी अजीब इसका जो है वो परफॉर्मेंस हो गया था, सो आई थिंक इसका भी फॉर्मुलेशन गड़बड़ हो गया था फ्रीज़ करने के बाद। आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है दो आईलाइनर, सबसे पहला है ये नायका का ग्लैमर आई पेंसिल,
ये नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत इतनी अच्छे से ग्लाइड होती है ना कि मतलब आप फिर कोई इसको आपने एक बार यूज़ कर लेना तो आप कोई भी और पेंसिल यूज़ करना नहीं चाहेंगे। बट फ्रीज़ करने के बाद ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ हो गई थी और अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रहा था इसको, बट किसी तरह थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद अप्लाई हो गई। दूसरा आईलाइनर मैं ले रही हूँ स्टे क्वाकी का लिक्विड आईलाइनर, ये अब डिसकंटिन्यू हो गया है, बट इसी की तरह जो है वो कलर सेंस का भी आईलाइनर है, तो इन केस यू वांट यू कैन चेक दैट आउट। इसका जो है ना ये ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा ड्राई हो चुका था, अप्लाई होता था बट थोड़ा सा ड्राई हो चुका था, बट फ्रीज़ करने के बाद क्या हुआ कि इसमें से जो है इसकी एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ हो गई थी। आई थिंक जो भी पानी इसके अंदर बिल्डअप हुआ रहा होगा उतनी देर में वो मेल्ट होके इसमें मिक्स हो गया एंड इसकी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी स्मूथ हो गई। मस्कारा के लिए मैंने लिया है लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा, ये वैसे तो काफ़ी अच्छा मस्कारा है बट थोड़ा सा ड्राई अप हो चुका था, इतना भी नहीं होता कि अप्लाई ना हो, थोड़ा सा स्टिफ हो गया था, अप्लाई तो अभी भी होता था बट फ्रीज़ करने के बाद इसकी वॉन्ड में तो कुछ नहीं हुआ बट ये अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब बहुत ही मतलब शायद 2 से 3% ही अप्लाई होगा। थोड़ा सा इसने जैसा ये यूजुअली इफेक्ट देता था कर्लिंग वाला उसने वो बिल्कुल भी नहीं दिया, लाइक इट जस्ट फैंड आउट माई आई लैशेज, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा था कि एकदम आई लैशेज फैन वाला इफेक्ट दे रही थी इसकी वजह से, बट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगा। अदरवाइज़ जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो काफ़ी लैशेज को कर्ल कर देता है, इसकी वॉन्ड जो है ना वो कर्लिंग स्टाइल के तो काफ़ी कर्ल कर देता है। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ की थी NYBIC का मैट लिप क्रेयॉन और इसकी भी जो एप्लीकेशन है ना वो यूजुअल टाइम में बहुत अच्छे से नहीं होती थी, थोड़ा सा इसके साथ मतलब इसको रब करना पड़ता था, बट फ्रीज़ करने के बाद इसकी एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा ही बेटर हो गई थी, सो आई रियली लाइक्ड दैट। अब जैसा सारे प्रोडक्ट्स परफॉर्म कर रहे थे मुझे मेकअप फिक्सर की बहुत ज़रूरत तो नहीं लग रही थी, बट स्टिल पूरा मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने इनसाइड का मेकअप फिक्सर जो है वो फ्रीज़ किया था और जैसे ही निकालते ही ना ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया, सो इट केम आउट। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड प्लीज़ इग्नोर कि मेरे एक साइड का इयररिंग जो है वो टूट गया है, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, जस्ट इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन हाउ ब्यूटिफुल द मेकअप लुक हैज़ टर्नड आउट। मतलब इसका जो बेस था ना वो तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, एकदम ही मैट था, इतना मैट मेरी स्किन पे मेकअप लुक जल्दी रहता नहीं है, अगर मैं एसी में बैठ के पूरा मेकअप करूं अच्छे से वो सेट हो जाए उसके बाद मैंने गो आउट तब मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ कि मेकअप सही दिखे, बट इतने ह्यूमिड क्लाइमेट में मेकअप करने के बाद इतना सही मेकअप सेट था ना मुझे तो बहुत ही सही लगा। सो आई नो बाकी लोगों ने इसे एज अ फन चैलेंज किया था बट आई थॉट कि आई शुड ब्रेक डाउन हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन पर्टिकुलर दिस चैलेंज एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, इफ यू लाइक इट देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, टिल माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय।